दोस्तों आज आपको मैं भी दिखाऊंगा फर्स्ट एसी का जो कोच रहता है, कूप कोच, वो कैसा रहता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में क्या डिफरेंस रहता है, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कूप की, जो फर्स्ट एसी का कूप रहता है वो कैसा दिखता है। तो देखिए, इसमें एक डोर रहता है सेपरेट, आप इसको स्लाइड करके बंद कर सकते हो, ये आपका सेपरेट कमरा हो जाएगा। मतलब आप इसको बंद कर देंगे तो कर्टन्स लगा देंगे तो ये आपका कमरा टाइप में हो जाएगा। कर्टन्स भी है, अटेंडेंट की व्यवस्था है। तो आप इसको, और अंदर आने के बाद जब अंदर आओगे तो ये ऐसा दिखता है कूप का कंपार्टमेंट। ये सेपरेट है, सिर्फ दो ही सीटें हैं, एक नीचे एक ऊपर। और ऊपर में आप देखो प्राइवेसी, जैसे आप अंदर आ जाओगे, अंदर आने के बाद एक डस्टबिन वगैरह रहेगी। यहाँ पे सेम कॉलवेल का सिस्टम जो रहता है नॉर्मल में। और गेट बंद होने के बाद ये आपका प्राइवेट कमरा हो जाएगा, आलीशान से आप बैठो। देखो कितना चौड़ा सीट है, बड़ा सा सीट है, नीचे का इतना बड़ा सीट है। आप आराम से सेपरेट मस्ती करते हुए इसमें जा सकते हो, खेलते हुए जा सकते हो। अगर आपके पास डॉग है तो उनके लिए भी रहता है, आराम से उनको बांध दो और उनके साथ खेलते हुए पहुंच जाओ। इसके लिए प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा जो मुझे कूप का कंपार्टमेंट मिले, तो आप अगर लकी रहे तो मिल जाएगा। ऊपर चढ़ने के लिए साइड में स्टेयर का दिया हुआ है, देख सकते हो, नीचे ऊपर जा सकते हो आराम से। तो काफ़ी कंफर्ट रहता है एसी का कूप, कपल के लिए बेस्ट माना जाता है अगर आप डॉग के साथ सफ़र करते हो। तो ये हो गया कूप। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका चार कंपार्टमेंट वाला जो रहता है वो कैसा दिखता है, जिसमें चार सीट रहती है नॉर्मल वाला केबिन। तो उसमें यहाँ आओगे तो आप देख सकते हो वो इस तरह से आप एंट्री लोगे, गेट खुलेगा और इसमें दो के बजाय चार सीट रहती है, एक अपर, लोअर। इसमें भी अगर मैं सीट को नीचे कर दूं तो इसका आप देखोगे कितना स्पेस है सोने के लिए, आप आराम से लेट सकते हो तकिए लगा के खाने के लिए। दूसरे साइड भी यही रहता है, लाइट की व्यवस्था रहती है जिसको आप जला सकते हो, स्विच रहता है और कर्टन्स लगाने के बाद धूप वगैरह नहीं आएगी। तो काफ़ी प्राइवेसी रहती है अगर आप चार लोगों के साथ आते हो, चार फैमिली के साथ हो। तो ये रहा फर्स्ट एसी का नॉर्मल कंपार्टमेंट, चार सीटों वाला कूप दिखा दिया। अब चलते हैं सेकंड एसी, आपको दिखाता हूँ। देखो अभी ये है सेकंड एसी का नॉर्मल, इसमें आपको कर्टन्स लगे रहेंगे, सीट इस तरह से आप आओगे बैठोगे और बाहर से इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बैठ जाओ, प्राइवेसी है। तो ये इसका सेकंड सीटिंग रहता है, चार सीट रहते हैं। और इसकी ये जो है अटैच है फर्स्ट एसी के साथ, फर्स्ट एसी आधे में है, मतलब दो कूप है और एक चार नॉर्मल वाला है, और उसके आधे में सेकंड एसी बना दिया गया है। H1A1 इसका नेम रहता है, कोच रहता है, कोच का कोड रहता है। और इसमें साइड लोअर सामने में नहीं है क्योंकि लगेज वगैरह रखना रहता है। तो इसमें अगर आप आगे की ओर आएंगे, मैं आपको नॉर्मल सेकंड एसी का दिखाता हूँ, कर्टेंस वगैरह लगे रहेंगे। तो जब आप इसमें आओगे तो ये आपको नॉर्मल सेकंड एसी का कंपार्टमेंट है, जिसमें स्लाइडिंग कर्टेंस है। आप यहाँ पे आओगे और लाइट, चार्जर, ये नॉर्मल ही रहता है। तीन के बजाय जो थर्ड एसी में रहता है वो तीन रहता है, जो आगे आपको अभी दिखाऊंगा, इसमें दो रहता है। सीट को नीचे करोगे तो चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं इसको नीचे कर दूँ तो आप आराम से लेटोगे इस पर, तो इस तरह से आपको मस्त सा आराम मिलेगा। चार ही लोग रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। चलिए अभी आपको मैं थर्ड एसी दिखाता हूँ। अब आ गए तो ये देखो थर्ड एसी का है डब्बा, जो सादा रहता है, जिसमें जिसके कंपार्टमेंट में छः सीट रहती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है अपना थर्ड एसी, इसमें एक मिडिल और एक नीचे, तीन, जो स्लीपर का रहता है सेम वैसे ही रहता है, एयर कंडीशन रहता है और यहाँ पे कर्टन्स लगे रहती है। तो ये थर्ड एसी का डब्बा होता है, थर्ड एसी का, और साइड में दो सीटें रहती है। अगर इस साइड देखोगे आप तो आप इसको नीचे बिठा भी सकते हो और विंडो पे चेयर जैसा लगा के बैठ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। यही डिफरेंस रहता है फर्स्ट एसी कूप में नॉर्मल सीटिंग में, सेकंड एसी में और थर्ड एसी में। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे जो क्या डिफरेंस रहता है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।